हाँ जी सर, तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फॉर्मेट किस तरह से क्रिएट करेंगे। अब बात आती है कि ऑटोमेटेड अटेंडेंस फॉर्मेट की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो बहुत सारे कारण है जिसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि सैटरडे संडे हर महीने चेंज होता है, डेट हर महीने चेंज होता है, मंथ का लेंथ हर महीने चेंज होता है। तो इस सब कारणों से तो यहाँ पे मैं वही चीज यहाँ पे देखने जा रहा हूं। तो चलिए एक ही चीज को समझिए क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम लिखा और नेम के बाद नहीं नेम नहीं कभी कभी भी आप अगर कोई डेटाबेस या कोई ऐसा रिपोर्ट बनाते हैं तो यूनिक आईडी चाहिए। तो एम्प्लॉय कोड हमने पहले लिखा, उसके बाद फिर नेम, डिपार्टमेंट लिखे या फिर वो तो है अपनी मर्जी क्या क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है। अब मुझे इशाद जी समझाइए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग अटेंडेंस में क्यों दिया जाता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अटेंडेंस अटेंडेंस में क्यों दिया जाता है? हेलो, हाँ मुझे लगा आवाज कट गई। अटेंडेंस में या सैलरी स्लिप में सर? इतने और तक वो काम कर चुका ऑफिस में। मान लीजिए मैं 20 साल पहले ज्वाइन कर रखा हूँ, उसे कल ना देना सर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का तो मुझे इसका आईडिया नहीं, पहले अटेंडेंस ही कर लेना। हाँ सैलरी में या फिर ग्रेजुएटी में इन सब चीजों में देखा जा सकता है, अटेंडेंस में को देखा जा। अच्छा, जो मतलब जो डिडक्शन होता है उसके उसके लिए इसके हिसाब से देखा जाता है क्या? आप अच्छा, जो हाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको छुट्टियां ऑफिस ज्वाइन करते मिल जाती है। हाँ 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 वो ग्रेजुएटी के लिए सही कह रहे हो सर। ग्रेजुएटी कम से कम 5 साल 3 साल तक होता है किसी किसी कंपनी में। ग्रेजुएटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी में जो लीव होता है, तो पहले कुछ कंपनियां 3 महीना कुछ कंपनियां 6 महीना पेबल लीव नहीं देती है। हाँ जी, हाँ जी होता है। तो जब आप अटेंडेंस किसी की मार्क कर रहे हो तो आप चेक कर लो कि हाँ इसकी पेबल लीव पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसलिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाता है। ओह ठीक ठीक। अब यहाँ पे जैसे मुझे डेट डालना है तो मैं अगस्त का बना रहा हूँ, तो मैंने 8 कर दिया, अगस्त कर दिया। तो बहुत सारे अटेंडेंस भी और ड्रैग कर देते हैं। अगर आपने डेट को इस तरह से ड्रैग कर दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि नवंबर का सितंबर का भी आपको इसी तरह से ड्रैग करना पड़ेगा। सो आप ड्रैग नहीं करेंगे और हर महीने आपको डेट इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है तो इसमें आप प्लस वन कर। अब प्लस वन करने के क्या फायदे होंगे अभी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। मैं यहाँ पे डेट को कॉपी पेस्ट कर दिया, अगस्त 31 अगस्त। ठीक है, अब इससे फायदा यह हुआ कि मैं अगर सितंबर करूं तो सितंबर चला जाएगा। अगर सर जस्ट चेंज द डेट और आपका पूरी डेट चेंज हो गया इसलिए। हाँ जी सर, इस एक चीज और पूछनी थी, जैसे अटेंडेंस हम आते हैं 15 से अगले 16 तक की, अगले महीने के बीच में 2 महीने आ जाते हैं, तो वो कैसे करेंगे फिर सर? और बात नहीं, यहाँ पे आप 16 से स्टार्ट कर लीजिए। तो अगर 16 डालेंगे तो वहां पे सितंबर आ जाएगा, नेक्स्ट अगस्त के बाद सितंबर। तो प्लस वन कर रहा है ना सर, मैंने यहाँ पे 16 तारीख से बना दिया, 16 से 15 आ गया। हाँ ठीक ठीक, मेरे माइंड में काउंटिंग आ रही थी। ठीक है सर। सर सर इसमें एक बात, जैसे कि इसमें 31 तक है, अब अगस्त 31 है ना सर, अगर सितंबर डालेंगे तो 30 तक ही आएगा कि 31 तक आएगा? इसका ही मैं आपको इलाज बता रहा हूँ, 2 मिनट। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला दे रहा हूँ, टेक्स्ट राइट, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, तो टेक्स्ट से क्या हुआ कि मुझे सैटरडे एंड संडे आ जाएगा। सैटरडे संडे, अब यहाँ यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ तो सैटरडे संडे भी अपने आप को चेंज कर लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आती है कि अगर मेरा डेट
चेंज हुआ था। अब यहाँ भी आपको बात करना पड़ेगा फॉर्मूले में, राइट। तो इस ये सही समाज ने फॉर्मूले नहीं किया है, लेकिन हाँ आप लोग फॉर्मूले कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। इफ फॉर्मूला पढ़ाया ना आपको सर? इफ सर पढ़ाया। अगर इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन होता है किसके लिए? ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या है? ईओ मंथ में कोई भी डेट अगर आप सिलेक्ट करते हैं कोई भी डेट और जीरो करते हैं तो उस महीने की लास्ट डेट भी होता है। क्या देता है? लास्ट डेट, राइट। ऐसा हुआ तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज इसमें प्लस वन, ठीक है। अब ड्रैग कीजिए तो इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, इसमें एरर आएंगे, इसलिए आपको यहां पे इफ एरर का कमांड यूज करना पड़ेगा। इफ एरर, अब देखिए, अब मैं यहां पे सितंबर का डेट डालूंगा। यहां पे देखिए फॉर्मूला लगाया यहां पे सर, बट सितंबर का डेट 30 तक ही है। यहां पे फरवरी करता हूं तो 28 तक ही है। तो उदय जी समझ में आ गया आपको कैसे किया मैंने? हाँ जी सर। इसमें सर ये आपने फॉर्मूला 28 पे लगाया ना? हाँ, क्योंकि 28 मिनिमम डेट होता है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, इस वजह से। और ये ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ डेट होगा ना? ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ होता है, और किसी भी डेट डालते हैं तो उस महीने की लास्ट डेट होता है। अब लेकिन इसमें एक अच्छा वो है, एक दिक्कत और भी है कि जैसे कि आपने बोला कि मेरा मंथ जो है जनवरी टू 15 तारीख से होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8 में से आपका 16 से स्टार्ट हुआ 15 तक चला, तो 15 तक चला ना सर। अब यहाँ पे दिक्कत होगा, पंद्रह तक चला। अब मैं बात करता हूं सितंबर, राइट। तो 16 सितंबर से आपका डेट स्टार्ट हुआ, तो आपका ये देखिए यहाँ पे 16 अक्टूबर आ गया, 15 अक्टूबर आना चाहिए ना सर। ऐसे में फरवरी कर दिया, 16 फरवरी, तो ये आपका देखिए 18 मार्च आ गया, देखिए 16 मार्च आना चाहिए। तो 28 दिन तो कम से कम होंगे ही होंगे, मुझे यहां से स्टार्ट करना, राइट। इसमें हम कुछ और डालेंगे, इसमें हम करेंगे इफ, सॉरी इफ, और हम लिखेंगे डे। डे क्या करता है? डेट में से डे अलग करता है। अगर डे ग्रेटर देन 15 है तो ब्लैंक, अदरवाइज इसमें प्लस वन, समझे? और इस एरर, तो दोनों केस में समझ गया ना सर क्या करना है आपको? सर ये डे जो है डे वाला फॉर्मूला मतलब डे काउंट करता है वो? नहीं नहीं नहीं, किसी भी डेट में से डे को अलग करता है, सही है ना? ये 16 फरवरी में से 16 को अलग करता है। अच्छा, डेट को अलग करता है। अच्छा अच्छा, तो हमने बोला कि भाई इसमें से अलग करके देखो क्या, और डेट 15 के बड़ा तो नहीं है, 15 से बड़ा है मतलब कि नहीं लेना है, क्योंकि 15 तक ही हमें लेना है, 16 से 15, ठीक है? हाँ जी सर। सर इसमें रेंज भी दे सकते हैं सर, 15 की जगह जैसे 15 से 16 ऐसे कोई रेंज हो सकती है इसमें? क्यों, 15 तक तो फिक्स है ना, 15 के बाद तो बड़ा ही होगा ना। अच्छा, फिक्स रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। तीन, हमें तो तीन ही कॉलर में डाउट है ना कि हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे अटेंडेंस का पीरियड दे सकते हो, अटेंडेंस स्टार्टिंग फ्रॉम एसडी। आपका दिक्कत है कि भाई मैं आपका कभी भी हो सकता है, कुछ 16 से 15, कुछ 20 से करते हैं,
हाँ जी हाँ जी, होता है 20 से 21, 21 से 20 ऐसे होते हैं कभी कभार। फ्रॉम सर यहाँ पे फ्रॉम हो गया, फ्रॉम एंड, और यहाँ भी फ्रॉम आपने सिलेक्ट कर लिया, वैसे मेरा 20 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 20 हो गया, और एंड हमारा 21 से स्टार्ट होता है, 20 होता है हमारा, 21 से 20 होता है, 21 से 20 होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे हमने ये पहले वाला जनरली सिलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में 20 तारीख, और फिर हमने दिया फॉर्मूला कि इफ इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है हमारा एंड से, राइट सर, तो क्या करें, ऐसा है तो ब्लैंक कर दे, अगर इसमें प्लस वन करता है और इसको इस एल में डाल दीजिए, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। सर इफ एरर से एरर नहीं आती, किस टाइप की एरर आती सर? इफ एरर क्या करता है कि जैसे कि एरर देगा ना फॉर्मूला, अगर एरर दिया तो फॉर्मूले की जगह पे ब्लैंक शो करेगा। अच्छा अच्छा, अगर फॉर्मूला रिजल्ट दिया तो रिजल्ट शो करेगा, एरर दिया तो उसकी जगह पे ब्लैंक शो करेगा। अच्छा, इसलिए सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, सितंबर ना होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी सर। चलिए मैं इन दोनों कॉलम को हाइड कर देता हूँ, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है कि एक पेज प्रिंट नहीं होगा, काफी बड़ा है, ठीक है सर, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस से मैं यहाँ पे मंथ लेता हूँ, मंथ ले लिया, और मंथ लेने के बाद मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, चाहे हाँ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या जैसा करना चाहे कर लीजिए, और इसको कस्टम फॉर्मेट में करता हूँ, और कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे देता हूँ मैं MM, और फिर इस डेट को सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेट में जाता हूं, और उसके बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, हो गया सर छोटा। अब बात आती है इसमें, इसमें इसकी जो वीकेंड है सैटरडे एंड संडे उसको हाईलाइट करना, जो वीकेंड है उसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो उसको हाईलाइट कैसे करें, तो यहां पे कर्सर रखते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल्स यूज फॉर्मल, और यहां पे क्या करेंगे, और का कॉमा लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू सैटरडे कॉमा, फिर उसको आप इसको आप, इसको आप बस सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इक्वल टू संडे, ठीक है, और इसमें डी के आगे का हटा देता हूं और फॉर्मेट सेल में जाता हूं, इल कलर दिया एंड ओके,
और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम पेंट कर देते हैं जहां तक है डेटा हमारा। बत्तीस तीस इकतीस ठीक है। और फिर मैं अपना प्रिंटर और चलाता हूं, और इसको मैं यहां से प्रिंटर से पेंट, इसमें मैं एक बार कस्टम नहीं यहाँ पे फॉर्मेट तो मैं इसकी बॉर्डर हटा देता हूँ सर। नो इसको मुझे डॉट लाइन करना था ना, मोटा बॉर्डर लिया नहीं। अब एक प्रॉब्लम और आ गई कि यहाँ पे अब फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट नहीं होना चाहिए सर। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं कि होलीडे, अब मेरा यहाँ पे होलीडे लिस्ट है 2019 का, जैसे कि 1 जनवरी, 26 जनवरी, 17 मार्च, 20 अप्रैल और 15 अगस्त, ठीक है ना, 9 अगस्त भी है, ऐसे और भी बहुत सारे छुट्टियां हैं हमें, तो लिस्ट यहाँ डाली। और मैं चाहता हूं कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो हाईलाइट हो जाए डिफरेंट कलर्स। तो इसके हम मैरिज रूल में न्यू फॉर्मूला यूज जाते हैं, यूज फॉर्मूला आप इक्वल काउंट इफ, वी लुक अप लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, काउंट इफ, और हमने इसमें सीट फोर में गया और हमने होलीडे का लिंक सेलेक्ट किया, वापस टू में आया और इस ग्रेट और मैंने बोला कि अगर एक ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, समझे, तो हमने कलर में गए और अपना ये ब्लू कलर कर दिया और इसमें हम फोर का हटा देता हूं एंड ओके। और फिर फॉर्मल पेंटर से हम इसको पेंट कर देते हैं। अब अगस्त का डेट डाले आप इन्होंने, तो 15 अगस्त छुट्टी, 15 अगस्त तो 15 अगस्त छुट्टी क्यों नहीं हुआ, अब यहां भी छोटा सा दिक्कत है, एक बार देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या लगा हुआ। हमने बोला काउंट इफ सीट फोर ए बाई ए कॉमा डी फोर, ओ हाँ यहाँ पे फोर फिक्स होगा, समझ गया ना, यहाँ पे मैं उल्टा कर दिया था और डी में नहीं रहेगा ओके एंड अप्लाई। तो 9 अगस्त और 15 अगस्त छुट्टी था, ब्लू हो गया नहीं। तो हमने काउंट इफ क्यों लगाया, एक इस डेट को उठाएगा, उठाने के बाद वो इसमें सर्च करेगा, ठीक है ना, जो डेट मैच करेगा उसका काउंट देगा, अगर एक है तो एक दिया, तीन है तो तीन दिया, इस तरह से, ठीक है। मतलब सर अगर एक ही डेट दो बार तो होगी नहीं इसके अंदर होलीडे में, रक्षाबंधन भी है,
और आपका भी है पॉसिबिलिटी है, तो क्यों ना हम पहले सोच के रखे अगर उसने ऐसा कर दिया आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे मैं फरवरी का डेट डालता हूँ, यहाँ पे देखें ब्लैंक को देख रहे हैं आप, तो क्या कर रहा है इस ब्लैंक को भी काउंट कर रहा है, देखा सर, मतलब ब्लैंक इक्वल टू ब्लैंक मैच कर दे रहा है। एक सेकंड, तो ये ब्लैंक जैसे ये जो ब्लैंक है और नीचे जो ब्लैंक है इन दोनों को एक समझ रहा है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इस पे काउंट इफ के फॉर्मूले में हम और का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनेज रूल में यहाँ इधर यहाँ हम एंड का और कर, यहाँ पे एंड लगेगा, माफ कीजिए और बोलिए, यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एंड के फॉर्मूले में लिखूंगा एंड ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, और इसका भी डी गए का डॉलर हटा दिए, एंड ओके हट गया सर। अब इसमें अगला प्रॉब्लम क्या रहा कि ये जो आ रही है फॉर्मेटिंग, इस फॉर्मेटिंग को डिलीट करना, तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि क्या करूं मैं। इसके लिए सर फॉर्मेटिंग तो कुछ होगा, फॉर्मेटिंग हम फॉर्मूला लग सकता है सर फॉर्मेटिंग के लिए, अगर वहां पे वैल्यू है तो ये फॉर्मेट हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक हो जाए, ऐसा कुछ। इसमें हम क्या करेंगे, 28 से हम पता है कि 28 से ही होगा, तो 28 से शुरू करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसके न्यू रूल्स में जाना है, ठीक है ना, यूज फॉर्मूला, और इसमें हमें बोलना है कि ए ऊपर वाला चाहिए जो भी कहिए इसको ले लेते हैं, हाँ ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा, इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू ब्लैंक, अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या हो जाए, बॉर्डर, बॉर्डर हटा देता हूं मैं, ठीक है सर, और ए क्या आएगा डॉलर हटा देता हूँ, सिंपल सर, ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम इन तीनों पे हो गया। हाँ जी सर, अब देखिए 31 कर रहा हूं, सॉरी ये बेसिकली इस पे ए पेन ए फॉर्मेट नहीं चला, ठीक है ना सर, तो अब इसमें आगे जैसे लीव वगैरह है या फिर डेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है और लीव डल गई, तो उन सबों के बारे में अब आप इसमें अपने हिसाब से कर ही सकते हैं ना, क्या हिसाब जी, ये फाइल में आप लोग, हाँ सर हो जाएगा, बस टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा बहुत। अब सर उसके लिए सोचने के लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि बादाम खाइए और काम नहीं चलेगा, एक आध घंटे खाना पड़ेगा। हाँ सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आपको भी।
आप बता ही दोगे। और हम तो है ही और हम कहीं जाने वाले भी नहीं है। सही बात है। मैं इरशाद जी को भेज देता हूँ। इरशाद इरशाद जी है आपकी मेरी आईडी है ना? हाँ जी सर मेरी यही है। ओके मनोज यूके उमेश मेरा यूके और श्री शर्मा जी कैसे रही क्लास आपको ये? हालांकि श्री शर्मा जी का बैच कोई और था तो मैंने कर रहा था तो मैं सोचा कि उनको बुला लेता हूँ। हाँ सर कोई नहीं। मैंने पूछा कि मुझे लगा छुट्टी है ना बकरीद है और इस हार्दिक क्या बोलते बधाइयां मुबारका। मैसेज में पहले मैसेज में पूछ लिया था क्लास क्लास देंगे ना क्योंकि बहुत सारे लोग छुट्टी। नहीं सर मैं तो भेजा घर पे था काम तो हो ही गया। ठीक है चलिए अब क्या ना ऐसे भी आधा हिंदुस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है।